अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं आपकी खिदमत में जाम शौकत हाज़िर। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक तो हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कमेंट्स भी करते हैं। जिन दोस्तों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और अपने जो है अपनी राय भी दी कि प्रोग्राम को हमें किस तरह करना चाहिए, उन सबको सलाम है। उन सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं उनके एक एक लफ्ज़ का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक हमारे दोस्त हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं इंडिया में देखने वाले, इंडिया के बहुत सारे भाई हैं, सिख भाई भी हैं उसमें, हिंदू भाई भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया में भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं और साथ साथ पाकिस्तान में भी देखते हैं। तो एक हमारे दोस्त हैं राजीव डोंगल साहब और उनकी मिसेज़ हैं डिम्पल डोंगल। और सॉरी भाई राजीव भाई, अगर नाम ऊपर नीचे हो गया हो तो मैं माजरत चाहूँगा। आप दोनों को सलाम है, आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसके अलावा हमारे दोस्त हैं संदीप सिंह साहब, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उनके ज़बरदस्त कमेंट्स आते हैं और बहुत एनर्जी मिलती है। इसके अलावा अल्लाह नवाज़ खान हैं बहावलपुर से, बहुत सीनियर हैं और बहुत उन्होंने मशवरे भी दिए हमें और मुझे बताया कि कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, जब आप किसी मुश्किल में फंस जाएंगे तो उस वक्त क्या दुआ पढ़ेंगे, क्या, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, उनका भी बहुत शुक्रिया। गुल नूर साहिबा हैं, वो भी कमेंट्स करती रहती हैं, शुरू दिन से हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। राना गुलाम अब्बास साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त, वो भी हर प्रोग्राम में कमेंट्स करते हैं और दुआओं में याद रखते हैं। इसके अलावा खुशाब से अरशद मलिक साहब हैं, वो भी जो है हमें बहुत मोहब्बत करते हैं। एक जैगम साहब हैं, हमारे प्रोग्राम पर कमेंट्स करते हैं। इन दोस्तों के हमने नाम लिए और माजर चाहूँगा अगर किसी का नाम नहीं ले सका तो अगले प्रोग्राम में लूँगा। तो प्रोग्राम की तरफ आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। आज हम एक हवेली में मौजूद हैं और इस वक्त इसकी सूरत हाल ये है कि ये बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और इसके अंदर एक तारीखी वाकया, बहुत दुख वाला वाकया यहाँ पे हुआ कि एक बारात आई हुई थी और बारात के सारे मेहमान जैसे आते हैं सारे आए हुए थे और एक मतलब कि क्या कहते हैं कि एक तेज़ आंधी आई और उस आंधी के अंदर कुछ ऐसी मखलूकात आई हवाई जो इस हवेली के अंदर दाखिल हुई और उस जो बारात थी उसको तहस नहस करके रख दिया। दूल्हा साहब की डेथ हो गई और जो दुल्हन थी वो जनाब मतलब ज़हनी तौर पे आज तक वो उसका जहन ठीक नहीं है और इसी तरह के मामलात हैं। ये हवेली काफ़ी अरसा की बनी हुई है मगर ये जो वाकया हुआ था इसको कोई 25 से 30 साल तकरीबन बताया जा रहा है, 25 से 30 साल के 30 तकरीबन ऐसे बता रहे थे, हाँ मैक्सिमम ये अरसा हो गया। तो हम इस हवेली में जाएंगे, विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सी ऐसी मखलूक है जो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हो गई है। जब से ये मखलूक आई है उसके बाद इस हवेली के अंदर कोई फ़र्द नहीं जाता और आप हवेली की जो सूरत हाल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आज की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा और चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि टाइम आप ज़्यादा ले लेते हैं। तो चौहान साहब, पिछले प्रोग्राम में इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इनसे पूछते हैं इनकी तबीयत क्यों ख़राब हुई थी। तो मुझे तो इन्होंने ये बताया कि मैंने अंगूठियाँ जो हैं वो भूल आया था, नहीं पहनी हुई थी और उसके साथ मेरे मामला आते होते हैं जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। ऐसा ही है चौहान साहब? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो जल्दी में मुझे आज भी याद नहीं रही, आज भी मैं भूल गया क्योंकि मैं बाहर से ही आया हूँ। अच्छा। तो जैसे आपकी कॉल आई है तो मैंने कहा मैं अगर घर गया तो मुझे रात काफ़ी हो जाएगी, तो फिर आप इंतज़ार ना करते रहे, फिर मैं फौरन ही इधर ही आ गया आपकी तरफ ही। चले जाओ सब अल्लाह के नाम लेके। अस्सलामु अलैकुम।
अच्छा ये देखिए, ये देखिए, ये मकड़ी, इसका मतलब है इसके अंदर अरसा दराज से दाखिल कोई नहीं हुआ। ये देखिए ये जालियाँ वालियाँ बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं, बिल्कुल गल चुकी हैं। ये हवेली है। अच्छा ज़रा गौर कीजिए, वो आवाज़ें आ रही हैं जो जैसे घुंघरू नहीं, क्या कुछ चीज़ क्या लगी क्या है। लगा है। हाँ जी अस्सलामु अलैकुम। अच्छा छत का हाल देखें, छत का क्या हाल है। बिल्कुल अभी तक आवाज सुनिए, बिल्कुल अभी तक आवाज सुनिए, बिल्कुल अभी तक आवाज सुनिए। मैंने जिम्मे घुंघरुआ की आवाज़ा नहीं आ रही। हाँ जी इरफान भाई भी आज हमारे साथ हैं कि तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। घुंघरू की आवाज़ कंटिन्यू आ रही है। आवाज आ रही है पीछे कोई। ऐसी घुंघरू की ऐसी घुंघरू की दम से आया है, यहाँ पे अच्छा खासा लगा है। ऊपर भी काफी बड़ी हवेली है यार। इधर है इधर इधर ऐसे साया आया है, और साया क्या ग्रीन शेड टाइप कोई चीज आई है, जैसे ग्रीन जो होता है ना। फ्रंट कैमरे में आया, कुछ कैमरे में आया आया ऐसे फील होगा जैसे कोई बुजुर्ग गुजरा है। हाँ कोई मतलब सबस चोले वाला, सबस चोले में, सबस चोले में। आपने भी देखा है? मैंने भी देखा है। यही से ऐसा लगा यहाँ से बाहर गया। हाँ इधर है, हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए और हम उम्मीद करते हैं आप भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
हमें नुकसान पहुंचाए बगैर आप हमारे सामने आ सकते हैं? मेहरबानी कीजिए, हमें नुकसान पहुंचाए बगैर आप हमारे सामने आ सकते हैं? हमें पता है आप यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे से अगर कोई गलती होगी तो माजरत चाहते हैं। हमें पता है आप यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सामने आ सकते हैं? आप हमारे सामने आ सकते हैं? अच्छा ऐसे है ना, कोई हमें कुछ निकलने बाहर दे रहे हैं और ना ही हमें खड़ा होने दे रहे हैं। अगर हम इधर खड़े होते हैं नहीं, तो इधर ये से कुछ आएगा सामने, मुझे दिल मेरा कह रहा है। अगर हम इधर करते हैं, इधर इस साइड पे होते हैं तो इस साइड से आवाज़ आती है कुछ चीज़ गिरने की। आप हमारे सामने आ सकते हैं? अच्छा वो जैसे उधर से बाहर गई है कुछ चीज, उधर से इरफान देखा चीज नजर आई, जैसे जैसे कोई बिल्कुल सही तरह से चेहरा नजर आया यार, जैसे बुजुर्ग को ग्रीन सूट पहना हो। फिर उधर से टल्लियों की आवाज आ रही है। आप हमारे सामने आ सकते हैं? ये पत्थर आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आते सामने? अच्छा ये अपनी ना मौजूदगी का हमें एहसास दिलाते हैं। चौहान साहब कौन सी इधर मखलूक है? ये कोई बुजुर्ग, ये मुझे तो फील हो रहा है कि बुजुर्ग रह रहे हैं इधर। लेकिन वो जैसे हिस्ट्री बता रहे हैं कि बरात आई और बरात तहस नहस हो गई और एक अंधेरी सी आई, मतलब आंधी। हाँ, उसके अंदर बुजुर्ग तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ये क्या चक्कर है? ये तो उनसे फिर बात करनी पड़ेगी तो फिर पता चलेगा। आप सामने आ सकते हैं? अगर ये सामने आए तो फिर है। आप सामने आ सकते हैं? अच्छा वो देखिए एक लाइट है। ये तो अभी नहीं था ना यहाँ पे, सब ये निशानियाँ आ रही हैं। अच्छा ये एक इधर लाइट भी चमक रही थी अभी, ये इसके ऊपर ना, ये इसके ऊपर थी लाइट यहाँ पे, ये इसके ऊपर चमक रही थी कोई चीज जैसे ना। वो देखो यार ऐसे लगा है हाथ से ना, ऐसे ऐसे जैसे इशारा किया है, इधर आओ। आओ ये अच्छा जैसे ऐसे चमकती हुई चीजें नजर, मुझे लगता है आज कुछ बड़ा साइन मिलने वाला है, मेरा दिल कहता है, क्योंकि इतना जल्दी आते ही प्रोग्राम में, मतलब ये देखें सुसल घुंघरू जैसे आवाज आती है। यार इरफान पकड़ो, क्या हुआ इरफान? इसे आपको कैमरा भी है, उठाओ। एक मिनट मुझे ये देखो।
ऊपर का क्या हुआ, क्या लगा? ये भी पकड़ो, एक मिनट चौहान साहब, मुझे खींचा है जैसे ऐसे पकड़ के खींच लेते गर्दन से ना, ऐसे ये किल लगे यहाँ पे। मोबाइल भी इधर गिरा मेरा, मोबाइल यार गिरा इधर, ये दे। ये किलों के निशान भी हैं ना, ऐसे जैसे बिल्कुल जिस्म के अंदर घुस गए हैं। यार अभी मेरे इधर सीने में ना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं देखना कि ये है क्या इधर, ऐसे जैसे पकड़ के अंदर कोई खींचता नहीं है। ये रियल में जो वो बात बता रहे थे, अब दूर ही रहिएगा, अब दूर रहना है। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, सामने आ सकते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। चौहान साहब देखिए कैसी स्मेल आ रही है अंदर से, चलिए अंदर चलिए एक दफा देखिए, रहने दीजिए, वो ना हो कि ये अंदर से। नहीं चौहान साहब अंदर आना है, मैं पढ़ लिया है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप हमारे सामने आ सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये आ गए, ये चीड़ी, ये आ गए चीड़ी, चीड़ी के मालिक ना। और इरफान, इससे बड़ा सच नहीं हो सकता, ये नहीं थी ना यहाँ पे? बिल्कुल नहीं थी, अभी आई है। जैसे मैंने कहा सामने आ सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये निशान, ये निशान, क्या आप जिन्ने? क्या आप जिन्ने? तो ये क्या चीज है चाम साहब, ये चीज, ये देखिए, ये भी अजीब सा निशान बना हुआ है जैसे कोई। ऐसे लगता है साथ कोई और है जैसे ना। अच्छा सेम कौन है यार ये चौहान साहब? सेम उसी की तरह का वो है। गायब हो गई चिड़िया, गायब हो गई। आप फिर आ सकते हैं सामने, आप फिर आ सकते हैं। जाम साहब, क्या हुआ यार, ऐसे मुझे किसी ने खींचा है। जाम साहब आ जाओ, क्या हुआ है जाम साहब, ऐसे मुझे किसी ने ना पीछे को खींचा है। जाम साहब आप अपनी चीजें नहीं पहनते, आज भी आपने मुझे नहीं पहने। अर्जेंट आप मुझे बताते हैं भाई, मैंने अचानक से, मुझे एक दो दिन पहले आपको कितनी बार बताया है, मुझे एक दो दिन पहले बता दिया। ख्याल रखो यार जाम साहब। अच्छा ऐसे है, क्या आपको हुआ है? बस मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे ऐसे किसी ने खींच के बिल्कुल गिर लिया ऊपर। हाँ जी, और इसी जगह पे आपको इन्होंने फेंका, अंदर खींचा था। इसका मतलब है ये सोफा उनके बैठने की या उसकी जगह है ना? हाँ। सोफे की हालत बता रही है, आप साइड पे हो जाए, इधर आ जाए। आएगा मुझे दो दिन पहले बताया करें भाई।
खान साहब सॉरी, मैं बस अचानक से शूट लाइनअप होती है। कौन है? अच्छा बाहर बाहर देखो, बाहर से आवाज आई है। है कोई? कोई भी नहीं। अच्छा पहले टलियां की आवाजें थी, अब ऐसे अजीब सी एक गूं की आवाज आ रही है। अच्छा एक और चीज देखें, ये जाली के अंदर से सही बंद पड़े हैं चीजें। अच्छा ये क्या है? ये देखें, ये क्या है? ये कलर है, ये जो करते हैं ना कलर साइडों पे, वो है बंद है। ये कमरा बंद है। अच्छा एक मिनट टाइम बचा के रखेंगे। क्या है? जैसे किसी के बाल होते हैं ना। अल्लाह फिर उसके अंदर ही है ना। कमरे को जाने की देखने की कोशिश की अंदर, तो इधर से आवाज आई, इधर से आवाज इस तरफ बुलाया गया। सुनिए आवाज, जैसे कोई चीज है ना, जैसे आवाज, अजीब आवाज निकाल रही है, चिंगाड़ने की आवाज आ रही है, गाय भैंस की तरह। अब कुत्ता भौंक। सही है, गाय भैंस की आवाज है। हाँ चल। अच्छा ये है इधर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे है जैसे किसी ने सेज बनाई हुई ना, सेज का सामान। हाँ वही ना, मैं शादी का बता रहा था ना, उस शादी के बाद जो है चौहान साहब इधर फिर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, घर भी छोड़ के भागे, कोई चीज भी नहीं उठाई, सामान भी पड़ा हुआ है। ये देखे खुलता है। ये मेरे ख्याल में इसको कुंडा नहीं है, साइड पर ताला लगा हुआ है। आप हमारे सामने आ सकते हैं, कुछ एक्टिविटी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कैमरे सामने आपको ये एक्टिविटी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, इसके अलावा किसी शक्ल में सामने आ सकते हैं। पता नहीं। यार से जान साहब, यार मुझे धक्का जैसे लगा, पीछे से धक्का पड़ा और अंदर दरवाजे की पता नहीं। यार से जान साहब, यार मुझे धक्का जैसे लगा, पीछे से धक्का पड़ा और अंदर दरवाजे की बिल्कुल नॉन स्टॉप ही, मतलब
धकेलते आए हैं। बुलाया होगा हमें, आ जाए भी अंदर। ये टलियों की आवाज। अच्छा ये देखें, ये देखें, ये सीवी वगैरह है, दीमक काफी अरसे से बंद है ना। ये उसी शादी के वक्त की, ये उनका जो मतलब सिस्टम था वो पड़ा हुआ है, सेज का सामान आ गया। चलो सर ये संदूकों को देखें खोल के। नहीं जान सर, रिस्की हो जाएगा। हाँ हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि हम तो उन्हें बार बार ये कहते हैं ना कि हम आपको तंग नहीं करते, उनकी चीज़ों को छेड़े। ठीक है ठीक है। अरे पानी, मजा पानी जैसे। ये कहाँ से आया? आप हमारे सामने आ सकते हैं बाहर से? सामने लगाओगे? ये वही कमरे का है। एक कमरे को दो दरवाजे लगे हुए हैं ना। आप हमारे सामने आ सकते हैं? सब संदूक में कुछ है, आवाज आ रही है। आइए ना। उलझाया जा रहा है जैसे संदूक का नाम लिया है ना। आप हमारे सामने आ सकते हैं? अच्छा पहले संदूक का नाम लिया है तो इधर पानी की पानी आया है, जब दूसरे संदूक का नाम लिया है तो। अब आवाजें आ रही। हाँ नहीं लगाइए, मेहरबानी कीजिए। नहीं जान साहब खोलना, इसको देखना तो है। जान साहब क्यों रिस्की काम करते हैं? मैं हर दफा आपको यही बोलता हूँ। ये धाका बंदा हुआ, ये कोई चाबी तो नहीं है उनकी? इतना इतना जाम साहब इतना पुराना है कि ये देखें, ये जाले लगे हुए हैं इनके अंदर दरमियान। इधर से आवाज आ रही है, टलियों की मुसलसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कर रहे हैं? नहीं सब इसको देखें, कुछ नहीं होता। एक मिनट ठहर जाइए फिर मुझे। अब वैसे तो ऐसे सही, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं तो हम भी अपना काम पूरा करके जाएंगे। चलिए आइए, आप अपना शौक पूरा करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करिए बिस्मिल्लाह रखें। अच्छा वो देखो समझ कपड़ा वही जैसे। चौहान साहब इधर से एकदम से ऐसे ना, जैसे पूरा एक निकलता है निकलता है, ऐसे खुशबू आई है। अच्छा यही वो जैसे सबस नजर आया था, वो सुराख से वो निकलता हुआ। ये देखो ना अंदर लाइनें लग चुकी हैं।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वजनी बहुत हो रहा है। अच्छा शाह साहब, वैसे एक मेरा माइंड में अरमान समझ रहे, ख्वाहिश रह जाएगी कि यार ये सब दुख तो देखी नहीं हमने, हम अंदर नहीं घुसते, इसको कम से कम देखें तो इसके अंदर क्या है। देख लो कुछ पढ़े, इसके पढ़े कुछ वो वहम रह जाएगा कि यार इसके अंदर क्या था ऐसा। अजीब सीन है ऐसे, उधर की सदूक के अंदर का माहौल। इसके अंदर चाले लगे हुए हैं, आप हमारे सामने आ सकते हैं? यार ऐसे लग रहा है कुछ चल फिर रहा है यहाँ पे, फान है, है ना? ये देखो पैरों की आवाजें आ रही है ना जोहान साहब, खुदा की कसम ऐसे लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है यहाँ पे। इधर जैसे कुछ चप्पल की आवाज भी आती है ना, फिर यार इसी खिड़की में से ऐसे लगता है इसी में जानवर खड़े हैं। जल्दी आ गया, जल्दी आ गया।